ऑल राइट, तो नॉर्मली मैं अपने चैनल में पोकेमॉन एनिमे सीरीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना वर्थ इट है, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फाइनली एश कैचम जो है वो रिटायर्ड हो चुका है, मींस एश कैचम की जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है। एंड सच बताऊँ तो मैं पर्सनली इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का बुरा भी लग रहा होगा, जो कि मैं समझ सकता हूँ। बुरा लगना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि आखिर पोकेमॉन एनिमे सीरीज का जो मेन हीरो है वो तो एश कैचम ही है। एंड जब मेन हीरो ही रिटायर हो जाएगा तब सबको बुरा तो लगेगा ही, बट फिर भी मैं खुश क्यों हूँ उसका रीजन मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो सिंपली अगर आप लोग जानते होंगे तो एश कैचम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, एंड वो था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, जो कि फाइनली एश कैचम बन भी चुका है। सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है उसकी रिटायरमेंट का, क्योंकि उसका जो सपना है वो बेसिकली पूरा हो चुका है। सो अब उसको फाइनली रिटायर्ड भी हो जाना चाहिए। एंड ऑल्दो अगर मैं एनिमे सीरीज की बात करूं तो एश कैचम के ऊपर बेस्ड एनिमे सीरीज 25 इयर्स से चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है। लिटरली आप लोग सोच के देखो 25 सालों से ये सीरीज चल रही है। सो इसको फाइनली एंड हो जाना चाहिए। आई मीन एश की स्टोरी तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, जो कि फाइनली हो चुकी है, दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हालांकि पोकेमॉन की सीरीज खत्म नहीं हुई है, पोकेमॉन की सीरीज तो दो नए कैरेक्टर के साथ आगे प्रोग्रेस करेगी, लेकिन फाइनली एश की जो स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी मेरे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे एंड आप लोग भी इस चीज से एग्री करते होंगे। पर्सनली एश के रिटायरमेंट पर बेस्ड 12 एपिसोड की एक छोटी सी सीरीज और आने वाली है, आप लोग को पता ही होगा, नहीं भी पता है तो अब आप लोग को पता चल गया होगा। उन 12 एपिसोड के बाद दोबारा हम लोग को कभी भी एश एनिमे सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा, बट पोकेमॉन की जो एनिमे में सीरीज है वो दो नए कैरेक्टर के साथ कंटिन्यू होगी। मतलब दो नए कैरेक्टर मेन लीड रोल में आने वाले हैं एंड उनके ऊपर बेस्ड पोकेमॉन की एनिमे सीरीज हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए होगी। ओल्ड जनरेशन वालों के लिए तो एश ही मेन हीरो रहेगा, एंड ओल्ड जनरेशन वाली जो एनिमे सीरीज है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। इस चीज का दुख तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा है, बट फाइनली एश की स्टोरी कंप्लीट हुई है, ये चीज जान के मैं बहुत खुश हूँ।